अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में बसवार, रेही, कोहड़िया पहाड़ आदि गांवों में जनसभाएं हुई। मौका था महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस एवं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर यह बैठक व सभा आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंग से लड़ते हुए वीरता, साहस, देश प्रेम की शहादत देकर मिसाल कायम की। वहीं दूसरी तरफ संत शिरोमणि रविदास जी ने भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामाजिक जनचेतना को जागृत किया। इस कार्यक्रम में कई गांवों से लोग ने भागीदारी की, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। वक्ताओं ने भाजपा सरकार द्वारा खेती के 3 काले कानून के जरिए मंडी, अनाज बिक्री, खरीद, खाद्य प्रसंस्करण को कारपोरेट घरानों को जमाखोरी कर मुनाफा बढ़ाने के लिए देन का विरोध किया। इनकलाब जिंदाबाद, विदेशी पूंजी जब्त करो, खेती के काले कानून रद्द करो, महंगाई पर रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल के दाम घटाओ, 24 जून 2019 का आदेश वापस लो, नावों से बालू खनन चालू करो, सही चंद्रशेखर आजाद व संत शिरोमणि रविदास अमर रहे आदि नारे लगाए गए। वक्ताओं में अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश महासचिव कामरेड हीरालाल, जिला अध्यक्ष राम कैलाश कुशवाहा, साथी फूलचंद्र शेखर पटेल, हरीश चंद्र पटेल, सुरेंद्र पटेल, राकेश पटेल, पार्वती प्रेमीवती, निर्मला धूपति, रवि गेंदालाल आदि ने अपने विचार रखे। सभा का संचालन कामरेड राजकुमार पथिक, जिला महासचिव ने किया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। विदेशी पूंजी जब्त करो, विदेशी पूंजी जब्त